शेफा को अपनी पत्नी मान लिया और आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। कैसा किया मैंने? मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ। इसे लगा एक्टिंग सिर्फ यही कर सकता है। वेरी गुड, लेकिन मुझे बस एक थोड़ी सी कमी लगी, वो ये कि तुम आपा से ना सच्चा प्यार नहीं करते। अगर तुम आपा से सच्चा प्यार करते ना, सच्चा प्यार करते तो तुम्हें भी महसूस होता कि प्यार क्या होता है। आज अगर मैं यहां जिंदा खड़ा हूं, हर मुश्किल से लड़के मौत को हरा के, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। ऐसा कुछ, ऐसा करते तो टैलेंट हंट तो क्या, नेशनल अवार्ड जीत जाते। लो भाई आइसक्रीम वाला आ गया, क्या खाओगी? आपको तो पता है, क्यों पूछ रहे हैं? हाँ याद है, लेकिन थोड़ा भूल गया। आप तो कहते थे कि जो दिल के करीब होता है उसकी पसंद नापसंद हमेशा याद रहती है, फिर क्या हुआ, भूल गए? कुछ नहीं भूला, तुम्हें मेरी एक एक बात याद है। मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम्हें कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद है? हा? अभी दिखाता हूँ, तुम वहां जाके बैठो। तुम्हारी टिकट बुक करा दी, कल सुबह की फ्लाइट है, चाहिए तो साथ में चलना। एक मिनट, आप मुंबई जा रहे हैं, लेकिन क्यों? यार डॉक्टर, लाइफ में ना कभी कभी कुछ फैसले उन लोगों के लिए लेने पड़ते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस घर में सबको आपकी जरूरत है, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता है, लेकिन कुछ बातें रिश्ते अधूरी छोड़ दो ना तो सबके लिए अच्छा रहता है। बहुत इच्छा हो रही तुमसे मिलने के लिए। तुम जो काम कर रही हो ना अपने भाई के गुजर जाने के बाद, वास्तव में काबिले तारीफ। चलिए ना करें। अरे ये जगमोहन प्रसाद की बहू जिसके साथ तुम्हारी, सॉरी एक सेकंड, फोन विमल भैया। विमल भैया हाँ, हेलो। हेलो आबा, वो आइसक्रीम ना? हाँ हाँ, बस बस आ ही रहे हैं। हाँ जल्दी पहुँचते हैं। अरे कुछ, चलिए चलिए चलिए। आबा को क्या हो, मैं तो काफी नहीं चलती। लेकिन माफ कीजिए, हम थोड़ी जल्दी में, सॉरी। ले लिया अपना आइसक्रीम? और ये मैंगो है। ये है ब्लैक करंट। रणछोड़ जी आप वहां अकेले क्यों खड़े, ये लीजिए। थैंक्स। नहीं उन्हें मैंगो मत दीजिए, एलर्जी है उन्हें। इन 2 सालों में तुम रणछोड़ की पसंद नापसंद को इतने अच्छे से जान गई हो, अच्छा लगा। कहना करण, एक दिन खाने के बाद मैंने आम खा लिए थे और थोड़ा सा पेट खराब हो गया, तो आपा को ऐसा लगा कि मुझे आम से एलर्जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो मैंगो आइसक्रीम बहुत पसंद है। थैंक यू। और तुम दोनों को मिलन लेना जो चाहिए था, नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस।